अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजवा और फार्म पर आपका स्वागत है। माशाल्लाह ईद की खुशियाँ, मतलब ये हमारे अमान भाई के बकरे हैं जो कि इन्होंने पूरे साल तैयारी की है माशाल्लाह इनकी। मतलब ये कुर्बानी और जानवर की मोहब्बत है कि आदमी इतनी बिजी लाइफ होने के बाद भी जो है अपने घर में मतलब जो है जानवरों को वक्त देकर कुर्बानी के लिए जानवर तैयार करता है और अल्लाह राह में खर्च कुर्बान करता है। आप माशाल्लाह ये जानवर देख सकते हैं, ये हमारे अमान भाई ने बच्चे बुलवाए थे। अस्सलाम वालेकुम अमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये जो बच्चा उधर वाला बड़ा जी, ये जब आपने लिया था जब इस क्या वजन पे था? ये तकरीबन 20 किलो। 20 किलो था। और माशाल्लाह अभी इसका बॉडी वेट क्या होगा? तकरीबन 70 से 75। माशाल्लाह, मतलब आपने जो है 50 किलो उसका वेट गेन किया। तो ये सेल्फ फीडिंग है जना? सेल्फ फीडिंग है ना, भराई का नहीं। और ये वो जो ये मुंडा बकरा छोटा जी, ये भी तकरीबन इतना ही लिया था माशाल्लाह। और अभी क्या होगा इसका वजन? इसका 55 किलो। माशाल्लाह, मतलब आपने बड़ी मेहनत की है, तो आप भी ध्यान रखते हैं जी। अमान भाई की मेहनत है, आप देख सकते हैं आज जो है कुर्बानी होगी इनकी माशाल्लाह। और आप लोग भी शौक करें और अमन भाई के लिए भी दुआ करें इंशाल्लाह अगली बार और इनकी मेहनत रंग लाए माशाल्लाह। अभी क्या दांत पर होगा अमन भाई बकरे दोनों? कितने के? दो दांत है माशाल्लाह। तो अमन भाई कुछ स्पेशल डाइट देते हैं कि? कोई स्पेशल नहीं, खिलाने में चना, मक्का, गेहूँ बस। और हरे में? हरी पत्ती दी है और बल्ब की पत्ती जो खाते थे वो। अच्छा, हरी पत्ती वो लोंगा पत्ती जो राजस्थान में? जी माशाल्लाह, उसके भी रिजल्ट बढ़िया आते हैं ना माशाल्लाह। जो राजस्थान की लोंगा पत्ती आती है, हरी पत्ती भी जिसे बोलते हैं माशाल्लाह, ये उसके भी रिजल्ट हैं और उससे ज़्यादा हमारा अमान भाई की मेहनत है माशाल्लाह। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ऐसी वीडियो आपको इंशाल्लाह हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी।